भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में अब लगातार गिरावट देखी जा रही है। देश में तीसरी लहर के आने के बाद से बिगड़ी स्थिति में भी धीरे धीरे सुधार होने लगा है। आज देश भर में संक्रमण के 44,877 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कोरोना के कुल मरीजों की संख्या अब 4,26,31,421 हो गई है, जबकि पिछले 24 घंटे के दौरान 684 मरीजों की मौत हो गई। देश में कोरोना वायरस के एक्टिव मरीज घटकर 5.37 लाख हो गए हैं। पूरे देश में कोरोना का ग्राफ नीचे जा रहा है, लेकिन केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और राजस्थान ने सरकार की टेंशन बढ़ा रखी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कहा गया है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के जो मामले सामने आए हैं, उनमें से 62.76% इन्हीं 5 राज्यों से हैं, जिनमें अकेले केरल ही 33.83% नए मामले सामने आए हैं। देश में अब तक 172.81 करोड़ कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। वहीं एक दिन में 49,16,801 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई है। दिल्ली में कोरोना काबू में आ चुका है। कई दिनों में मामले अब 1,000 से कम हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 920 मामले दर्ज किए गए हैं और 13 लोगों की ही मौत हुई है। अभी दिल्ली में संक्रमण दर 1.68% पर पहुंच गया है। रिकवरी रेट अभी 98.35% चल रहा है। अब कम होते संक्रमण दर की वजह से दिल्ली में स्थिति तेजी से सुधर रही है। देश भर में कोरोना वायरस के केसों में भारी गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में यूपी सरकार ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। इसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में सोमवार से सभी स्कूल खुल जाएंगे। इसके अलावा रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमा हॉल पूरी क्षमता से खुलेंगे। जिम सेंटर को भी पहले की तरह खोलने के निर्देश दिए हैं।